हम जानने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। अभी बेबी डॉज कॉइन की एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसके बारे में आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ। बेबी डॉज कॉइन को लेकर के एक बहुत ही मस्त अपडेट निकल के आई है। बेबी डॉज कॉइन क्या कर रहा है, ये अपना जो प्रोजेक्ट है कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा है, वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या बेबी डॉज कॉइन आपका बाइनेंस लिस्ट होगा, क्या बेबी डॉज कॉइन आपको एक बहुत ही बड़ा आदमी बनाएगा, क्या बेबी डॉज कॉइन आपको एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देगा, तो वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अभी पार्ट मिस मत करना। और अगर आपने अपने छोटे से प्लान की सबसे बड़े हिट नहीं किया है तो फटाफट करके बेल आइकन पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी कोई भी अपडेट निकल के आए सबसे पहले आप लोग पास पहुंच जाए। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं 236 का रैंक है, 1.32% क्रीम बेस 24 घंटा में पंप किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15% के लेकर के अभी इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी डाउन में आपको चलते हुए दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर सीधे बात करूँ न्यूज़ को लेकर के, तो चलते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ। तो मैं आ चुकी हूँ अपने मस्त न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवर डोज वन सेलिब्रेशन कंटिन्यूज विनर ऑप्शन प्रमोशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने जो है एनिमल लीग्यू के साथ जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो रोड पे जो ऐसी डॉग्स घूमते रहते हैं, जो रोड पे ऐसी डॉग्स घूमते रहते हैं उनको लेकर के जो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इनके साथ डोनेशन किया है, और कि ये जो है एक अच्छी तरीके से रह सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेबी डॉज कॉइन फॉर मेकिंग दिस इवेंट स्पेशल बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रांट टू द टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मस्ट अडॉप्शन दिस वीक। यानी कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे एक तरह समझ सकते हैं डोनेशन किया है इन लोगों के लिए, यानी कि जो बाहर डॉग्स घूमते रहते हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कोई घर नहीं रहता है उनके लिए। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे उठाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है हमारा डोज कॉइन के लिए, क्योंकि डोज कॉइन बेबी डोज कॉइन ने आपका एक बहुत ही बड़ा चीज़ आगे बढ़ाया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आज सबको पता होगा बेबी डॉज कॉइन अभी कुछ ही घंटों पहले यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा था, 1777 के करीब आपको ट्वीट्स भी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कल की डेट में आपको बताया था कि इसकी बर्निंग हुई है 1 quadrillion के करीब में, आपको इसकी बर्निंग भी देखने को मिली है। और मैनुअली बर्निंग जो किसको कहते हैं हम, 1 quadrillion के करीब में हुई थी, भले थोड़ी कम है लेकिन एक अच्छी खासी आपको बर्निंग भी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं मोस्ट मेंशनड मेन प्रोजेक्ट्स ऑन सोशल इन लास्ट 24 आवर्स, यानी कि मोस्ट मेंशन करने जाने वाले मीम प्रोजेक्ट्स में आपको यहाँ पे आपको बेबी डॉज कॉइन आपको सेकंड नंबर पे देखते हुए मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पे क्वैक है, सेकंड में आपको बेबी डॉज कॉइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट सर्च ERC20 प्रोजेक्ट्स ऑन कॉइन मार्केट कैप है, उनकी कॉइन मार्केट कैप पे मोस्ट सर्च ERC20 प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहा है। फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन ही देखने को मिल रहा है। गाइस, बेबी डॉज कॉइन इज द बेस्ट कॉइन फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए सबसे बढ़िया कॉइन हमारा बेबी डॉज कॉइन ही रहने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में भी सोच रहा है। पहले डॉग्स के बारे में सोचा, बहुत आप लोगों के बारे में भी सोचेगा और आप लोगों को भी एक बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो आप बस थोड़ा सा सब्र बना के रखो। अगर बाइनेंस लिस्टिंग की बात करूँ तो बाइनेंस लिस्टिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग की जो आपकी वो रहती है, जिसको आप कंडीशंस कहते हैं, वो अभी इन्होंने पूरी फुलफिल नहीं कर पाई है। बहुत ही जल्द सारी जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तब आपको बहुत ही जल्द बेबी डॉज कॉइन लिस्ट होते हुए भी दिखेगा। और ये बेबी डॉज कॉइन बहुत ही जल्द इसको उनकी जो जितनी भी फुलफिल्स करने जाने वाली जो आपके यहाँ पे कंडीशंस रहते हैं वो बहुत ही जल्द उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही जल्द करके भी दिखाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाइनेंस लिस्टिंग बहुत जल्द होगी, आप जो है अपनी कमर कस कर रख लो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख लो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।